तो दोस्तों, अगर आप अपना या फिर अपने परिवार में किसी का भी आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं अपने मोबाइल से, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे गूगल ब्राउजर को ओपन करना है। गूगल ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च बार पे टाइप करना है UIDAI और आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे, फर्स्ट रिजल्ट पे ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, देख सकते हैं UIDAI.gov.in। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार वेबसाइट का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है, आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड आधार का, यहाँ देख पा रहे हैं, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज शो होगा, यह बताया जाएगा कि आपको एक नए वेबसाइट पे ई रिडायरेक्ट करेगा, तो आपको ओके कर देना है। जैसे आप यहाँ पे ओके करेंगे दोस्तों, एक नया वेबसाइट ओपन होगा, myaadhar.uidai.gov.in का, देख सकते हैं। इस वाले वेबसाइट पे आपको आधार कार्ड को डाउनलोड करना है। तो नीचे आप जैसे स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं, डाउनलोड आधार का, और एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको ऑर्डर आधार PVC कार्ड का। तो आप यहाँ से अपने PVC आधार कार्ड को अपने एड्रेस पर यानी घर पर ऑर्डर भी कर सकते हैं, साथ ही आप डाउनलोड आधार कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको डाउनलोड आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार जैसे आप डाउनलोड आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाएगा। एक आधार नंबर के थ्रू आप अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, एक एनरोलमेंट आईडी के थ्रू कर सकते हैं, और एक वर्चुअल आईडी के थ्रू। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने आधार नंबर के थ्रू कैसे आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आधार नंबर सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे आपको नीचे अपना आधार नंबर को एंटर करना है, और जो कैप्चा कोड आपको यहाँ दिख रहा है, वही सेम कैप्चा कोड आपको इस कैप्चा वाले बॉक्स में फिल कर देना है। चलिए मैं आधार नंबर डाल के कैप्चा कोड को फिल कर देता हूँ। तो मैंने जो है आधार नंबर को एंटर कर दिया है, अब मैं कैप्चा कोड को फिल कर देता हूँ। तो आधार नंबर और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद सेंड OTP का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर अब आपको क्लिक कर देना है। उससे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सक्सेसफुली OTP सेंड कर दिया जाएगा। अब आपको वो OTP नीचे दिए हुए OTP बॉक्स पे आपको फिल कर देना है। आपके मोबाइल पे जैसे OTP भेज दिया जाएगा, OTP बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। दोस्तों, OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई एंड डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर अब आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे, सक्सेसफुली आपके मोबाइल पे आधार कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा। देखते हैं, इस प्रकार लिख के आएगा, कंग्रेचुलेशन, योर आधार कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली डाउनलोडेड। तो देख सकते हैं मेरा जो आधार कार्ड है PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो गया है दोस्तों। अब आपको ओपन करना है, चलिए मैं ओपन कर देता हूं। तो यहां से आपके इस मोबाइल पे जो भी PDF एप्लीकेशन है यानी PDF फाइल को ओपन करने का उसका ऑप्शन आएगा, आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरा एडोब एक्रोबैट डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसके थ्रू ओपन करूंगा। तो चलिए मैं एडोब एक्रोबैट पे क्लिक कर देता हूं। वो PDF फाइल में डाउनलोड हुआ है, तो इसको ओपन करने के लिए आपको एक पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो पासवर्ड क्या रहेगी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका नाम सचिन है मान लीजिए, तो आपको यहाँ पे लिखना है SACH, यानी अपना नेम का फर्स्ट 4 डिजिट कैपिटल लेटर में आपका होना चाहिए, और आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1/1/1999 है, तो आपको अपना नाम का फर्स्ट 4 डिजिट फिल करने के बाद अपना बर्थ ईयर को भर देना है। जैसे कि सचिन 1999, सॉरी SACH 1999, आपका नाम का फर्स्ट 4 डिजिट कैपिटल लेटर में होना चाहिए, उसके बाद आपका बर्थ ईयर। चलिए मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड इंटर कर देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही मैंने पासवर्ड इंटर किया, तो मेरा आधार कार्ड इस प्रकार ओपन होकर आ गया। देख सकते हैं मेरा आधार कार्ड PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर किसी का भी आधार कार्ड आप इस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं, अपना फैमिली का हो या फिर खुद का। दोस्तों, अपने मोबाइल से आपको कैसे आधार कार्ड को डाउनलोड करना है, इस बारे में आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता दिए हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आगे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ। थैंक